एक तरफ भारत में विदेशी निवेश हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का असर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने रिसर्च पर भी काफी जोर दिया है। उसका नतीजा है कि 2017 से 2022 के बीच भारत में रिसर्च का काम 54% बढ़ गया है। इस बीच आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का नया निर्माण केंद्र भारत बनने जा रहा है। जिस आईफोन की दुनिया दीवानी है उसका सबसे ज्यादा निर्माण अब तक चीन में हो रहा था, लेकिन भारत ने एप्पल के फोन के निर्माण के दरवाजे पर दस्तक दी है। जब देश तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, उस वक्त भारत का आईफोन बनाने के बड़े केंद्र के तौर पर उभरना भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का नतीजा है। जब से हमारी आजकल की सरकार आई है, तब से जो PLI की स्कीम लाई गई है मोबाइल के लिए स्पेशली, जिसमें करीब करीब 50,000 करोड़ का बजट था, उसके बाद से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आज वर्ल्ड का नंबर 2 बन गया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे यूजेज में हो। अब एक नजर भारत में एप्पल की मौजूदगी पर डाल लेते हैं। 2024 में भारत में एप्पल कंपनी ने $14 बिलियन के आईफोन बनाए। ये पिछले वित्त वर्ष से दुगनी रकम के आईफोन है, यानी दुनिया का हर 7वां आईफोन भारत में बन रहा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक भारत में निर्मित 70% आईफोन यूरोप, अमेरिका और एशिया के दूसरे देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। भारत में एप्पल ने 15 लाख रोजगार दिया है, साथ ही परोक्ष रूप से 3 लाख लोग एप्पल की वजह से रोजगार हासिल कर रहे हैं। अगले 3 साल में एप्पल भारत में 5 लाख रोजगार बढ़ाने की तैयारी में है, लेकिन इन सबसे आगे कोशिश तो चीन से उसकी आधी सप्लाई चेन भारत लाने की है। एप्पल की कोशिश अगले 3 साल में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कितना बढ़ाने की है, इसको आप इस बात से समझिए कि कंपनी अपनी वर्कफोर्स को 3 गुना बढ़ाने जा रही है। जाहिर है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। भारत में जब माल बनता है या जब भारत से माल लिया जाता है, तो संसार को ये पता होता है कि ये एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार का साइबर रिस्क या डाटा रिस्क वगैरह नहीं होंगे। उस वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और नेचुरली हर कंपनी इंडिया में आना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हम एक अच्छे प्रदेश साबित हो रहे हैं संसार में। चीन से अपनी दूरी को बढ़ाते हुए एप्पल अब भारत में और निवेश करने की योजना पर काम कर रहा है। न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन बनाने वाली वेंडर कंपनियां, बल्कि एप्पल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां और अन्य सप्लायर्स मिलकर भी नए नए रोजगार के रास्ते खोलेंगे। अगर वैल्यू के लिहाज से देखें तो भारत से आईफोन में होने वाला लोकल वैल्यू एडिशन महज 14% है, जबकि चीन में ये 41% है। अगर एप्पल का लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ता है तो भारत में आईफोन की कीमत कम हो सकती है। एप्पल के ओवरऑल रेवेन्यू में भारत का मार्केट शेयर करीब 6% है। एप्पल कंपनी भी चाहती है कि भारत से उसका रेवेन्यू बढ़े और भारत भी अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। चूंकि फोन निर्माण में सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका होती है, इसलिए भारत इस दिशा में और भी आगे बढ़ चुका है। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 3 परियोजनाओं में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम का निवेश हुआ है। दरअसल भारत अब तक सेमीकंडक्टर के मामले में चीन और दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब उम्मीद है कि भारत जल्द ही दूसरे देशों को सेमीकंडक्टर का निर्यात कर पाएगा और खुद मोबाइल फोन से लेकर दूसरे गैजेट के मामले में आत्मनिर्भर होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है और स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है। तकनीक के क्षेत्र में भारत की तरक्की का आलम ये है कि एक तरफ जहां 5G अपनाते हुए भारत अब 6G तकनीक की तरफ देख रहा है, वहीं स्वास्थ्य, कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल होने लगा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार पहल की एक झलक तब दिखी जब अमेरिकी कारोबारी और निवेशक बिल गेट्स प्रधानमंत्री से रूबरू हुए।
हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति करने वाले इन तकनीकी मैन्युफैक्चरिंग का असर भारत के उस सपने को पूरा करने में दिख सकता है जहां 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।